भाई से खुद सुन लो कि कौन क्या चीज पे काम करना है किस आपकी हो। के वीडियोस रेगुलर देखता था, ठीक है बट uh, मैं बहुत दिनों से मतलब बहुत दिनों से क्या बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ वेट कम करने का तो वेट तो मेरा कम हुआ, बट ये जो बेली फैट है और साइड के लव हैंडल है ये काफी ज्यादा है तो मुझे देंगे भाई

बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाओ बिना इक्विपमेंट के बिना जिम के भाई अगर भाई को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ आपको भी ट्रांसफॉर्म होना है तो साथ साथ एक्सरसाइज करो और बेहतर से बेहतर अपने बॉडी को फिजिक को करो भाई स्टार्ट करते वीडियो कोई करो तो पूछना गौरव जय फिटनेस से इंस्टाग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाकी वीडियो देखो और फॉलो करो पेट का साइड का चर्बी इस वीडियो से काम तमाम हो जाए स्टार्ट करते वीडियो तो पहला एक्सरसाइज क्या होगा भाई आपका सिंपल आपको सिंपल क्या करना है भाई तुमको इस तरह से बस एक जगह पर बस अपने नीज अप करना है बीस रेप्लेसन पच्चीस रेपलेसन पहला सेट रखना है वो ऑप सेट सिंपल है भाई को पहले इसको अपने पेटी को पहले पेट को पेट के एरिया को पहले एक्टिव कर लेंगे उसके बाद बाकी का सारा एक्सरसाइज करेंगे तो पहला एक्सरसाइज सिंपल करो नीजअप बीस नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक पाँच और, और पाँच चलो चल पाँच चार तीन दो एक रिलैक्स अगर आपका पेट का कोई एक्सरसाइज जिस दिन आप पेट का एक्सरसाइज कर रहे हो पेट की चर्बी पे काम कर रहे हो साइड पे हो चाहे लोअर पे हो कोई सा भी चीज पे काम कर रहे हो तो मैं बोलूँगा पहले नीज अप से आप अपने पेट के चर्बी को एक्टिव कर लो वार्म कर लो उसके उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा मैं भाई भाई आपको सिर्फ एक एक सेट करके दिखाएगा बट आपने सारा सेट परफॉर्म करना है तीन से चार सेट और भाई को एक सेट में ही किस तरह का रिजल्ट मिला किस तरह का पंप मिला है वो आप खुद ही अपने आंखों के आंखों के सामने रहेगा आंखों के सामने देखोगे भाई तो देखो फॉलो करो साथ साथ एक्सरसाइज नंबर सेकंड क्या होगा आपका एक्सरसाइज नंबर सेकंड होगा सिंपल पुशअप्स के पोजीशन में आ जाओ भाई ठीक है आपको भी सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करना है पुशअप्स के पोजीशन में आना है सर सामने रखना है और क्या करना है पाओं को साइड से लेके आना है जिससे कि साइड के साइड का चर्बी फोकस हो यहाँ पर और इस एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को करना है स्लोली परफॉर्म भाई और जिससे कि आपका साइड वाला फैट ये इस इस वाले साइड वाले पेट की चर्बी पे फोकस हो पाए दस रिपोर्टेशन लगाना है भाई इसका चलो दस नौ आठ सात अभी तुरंत बाद आपको रेस्ट नहीं लेना है भाई रेस्ट नहीं लेना है तुरंत एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं दूसरा नंबर ठीक है इसमें क्या करना है दूसरे एक्सरसाइज में दूसरा वेरिएशन रहेगा जिसमें कि इसको अभी स्लो परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे वेरिएशन में इसको फास्ट परफॉर्म करेंगे जिससे कि बहुत कम रेस्ट मिलेगा और आपका साइड का चेस्ट या इधर का जो फैट फैट है भाई फट के आएगा मतलब फैट बहुत ही कम हो जाएगा अगर आप तुरंत परफॉर्म को रेस्ट नहीं तुरंत आ जाओ सेम एक्सरसाइज को करो तेजी से परफॉर्म ठीक है जिससे सेम एक्सरसाइज रहेगा आपका फॉर्म सेम रहेगा एक्सरसाइज सेम रहेगा बस क्या करें रिपिटेशन आप लगा रहे हो भाई

दूसरा किया है सिंपल स्पाइडरमैन प्लैंक्स में कुछ वेरिएशन किया है एक स्लोली स्लोली उसके तुरंत बाद रेस्ट नहीं थोड़ा थोड़ा फास्ट करके उसका दूसरा नंबर एक्सरसाइज आपका था तीसरा नंबर एक्सरसाइज क्या होगा आपका सिंपल यहाँ पे हाथ रखोगे सिंपल हाथ रखो यहां पे ठीक है और क्या करो यहाँ पे आगे यहां पे आगे ट्विस्ट करो होल्ड करो यहां पे आगे पकड़ के होल्ड करो दस सेकंड तक दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक रिलैक्सीधा जाओ अब इसमें गलती कर रहे हो तुम इ, अपने लोअर बॉडी को लोअर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं लोअर बॉडी स्टेबल रहेगा उधर ही ठीक है ट्विस्ट करो दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक चलो इधर ट्विस्ट करो दूसरे तब आप अगर जिम में देखते हो गए भाई लोग वर्कआउट जब भी वर्कआउट वीडियो देखते हो गए जिसमें कि इधर हाथ रख के बस सिंपल इस तरह का ट्विस्ट करता है आप अगर यहाँ रख के बस होल्ड करोगे तो उससे मेरा ख्याल है अच्छा रिजल्ट आपको अच्छा फॉर्म देखने को मिलेगा चलो चलो करो पाँच हजार कम से कम और करो चलो पाँच चार तीन दो एक रिलैक्स चलो पाँच 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 सेकंड कम से कम पाँच से दस सेकंड आपको होल्ड करके रखना है जिससे कि आपका जो मेन टारगेट है साइड का चर्बी आपका अच्छे से फोकस होकर आएगा अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज ने के लिए चाहिए हमको भाई एक, कोई सा भी पाइप कोई सा भी छड़ी कुछ कुछ भी ले सकते हो आप लोग जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ वेरिएशन ऐड करोगे पेट के चर्बी के लिए ठीक है रिलैक्स करो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है लगाना है जिसमें ग्रिप लेके तुमको साइड के चरबी फोकस रख के दस रिप्रेशन दस नौ आठ सात छ पांच आपका ये जो सारा वाइट एक्सरसाइज सारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है केसेज के लिए तो साइड का चरबी रुक जाओ रुक जाओ ये जो साइड का चर्बी भाई देख रहे हो भाई का निकला हुआ है इस इसपे काम करना है इसको पहले कम करना है उसके बाद ही बाकी का एक्सरसाइज बाकी लोअर पे आएंगे ठीक है ये कम हो जाएगा लोअर कम हो जाएगा ऊपर का ऊपर का ये आपका पोर्सन ठीक है तो आपका पूरा फिजीक इसका जो है भाई बेहतर दिखेगा चलो करो दस नौ आठ सात साइड का चर्बी का बहुत ही तगड़ा एक्सरसाइज है क्या करना है आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ ईट के हाइट पे आपको दोनों पाओ को रखना है यहाँ पे ठीक है और ऊपर जब आप आओगे ऊपर आओगे तो आपका जो ग्रिप रहेगा पाइप पे उससे ट्विस्ट करोगे तो साइड का चर्वी आपका खत्म होकर आएगा साइड का चरबी आपका कम होके आएगा तो इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करने है पंद्रह से बीस रेपरेशन बस कोशिश करना है थोड़ा टाइम होल्ड करोगे तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा साइड का चर्बी कम होकर आएगा करके दिखाओ इसे इस भाई को पहले मैं बता दिया एक्सरसाइज किस तरह परफॉर्म करना है आप लोग को भी ध्यान से बता दे रहा रहूँ इसके हाइट तक अपने पाव को रखना है भाई ऊपर करके और जब अपने बॉडी को ऊपर लेके आओगे तो आप क्या करोगे ट्विस्ट करोगे जिससे कि आपका साइड वाले चर्बी पर फर्क पड़े चलो दस रेपरेशन दस चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे नौ बस हाथ को टच नहीं होने देना ग्राउंड पे हाथ को ग्राउंड पे टच नहीं होने देना है. चलो सात चलो चलो ऊपर आओगे तो ऊपर आओगे तो हाँ इस तरह से चलो क्या करना है गलत गलती कर रहा है तुम लेटना है फिर ऊपर आना है फिर ट्विस्ट करना है फिर लेटना है फिर ऊपर आना है फिर ट्विस्ट करना है जिससे कि हाँ ये ये बात चलो दस ना कोई बात नहीं फिर थोड़ा थोड़ा आप इसमें थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहते हो आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पे टच कर सकते हो भाई थोड़ा बहुत इसमें चल सकता है ठीक है अगर आपका ज्यादा चर्बी निकला नहीं है कम से कम इसका दस से बारह तो है ऊपर करके नहीं हो पा रहा है तो आप पाओं को नीचे भी रख सकते हो भाई और ऊपर आके ट्विस्ट करोगे चलो दस दस चलो चलो आठ चलो 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 छे बारो छे बहुत अच्छे चलो आपको एक्सरसाइज में दस मिनट के बाद ही दिखाऊंगा कि भाई का क्या हाल हुआ है पांच से सात मिनट में भाई का किस तरह का वर्कआउट परफॉर्म किया है क्या रिजल्ट मिला है आपके सामने रहेगा जैसे कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई से कुछ काम होता है इससे कुछ फर्क पड़ता है ठीक है चलो रिलैक्स अच्छे से अच्छे से अच्छे से दो बार और दो बार दो एक बार चलो शाबाश चलो बहुत अच्छे रिलैक्स खड़े हो जाओ फर्क पड़ा है फर्क पड़ा है कहाँ पे फर्क पड़ा है साइड सा, वाले में फर्क पड़ रहा है ठीक है अभी कुछ मत करो हाथ को पूरा खुला रखो ठीक है और पाँव को पाँव में थोड़ा सा गैप दो और हाथ से अपने नी पर तक टच करने की कोशिश करो चलो दस नौ सर सामने आठ सात 6, पाँच चार तीन दो एक करते रहो करते रहो पाँच सात और करो आपको भाई एक साइज़ ऐड करना है भाई अगर आप दो तीन एक सेट कर लेते हो एक्सरसाइज का तो उसके बीच में आपको ये एक्सरसाइज ऐड करना है रेस्ट को हटा के उससे क्या होगा आपका रेस्ट को हटा के अगर ये एक्सरसाइज ऐड करोगे तो आपको बहुत कम रेस्ट मिलेगा और ये आपका जो है साइड का वाला भी हमेशा ही इंगेज रहेगा जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई ठीक है अभी इस एक्सरसाइज से तुमको क्या फर्क पड़ रहा है इस एक्सरसाइज में तुमको प्रेशन ज्यादा रखोगे तभी कुछ फर्क पड़ेगा सिंपल ट्विस्ट कर रहे हो तो हाँ उस पर आएगा प्रेशर ठीक है अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है सिंपल तरह खड़ा इसी तरह तुमको खड़ा रहना है और क्या करना है अपने पाव को डायगनली इस तरह लेके जाओगे इस तरह ये ये चलो दस नौ अब उसको तो तेजी में करो तेजी में करो दस रिप्रेशन इस तरह से तेजी में एक साइड से पहले दस रिप्रेशन फिर दूसरी साइड से दस रिप्रेशन दस नौ आठ सात सामने देखो छ पाँच चार तीन दो एक दूसरी साइड से चलो दस नौ आठ सात चलो शाबाश छः तेजी में थोड़ा पाँच चार तीन दो एक रिलैक्स अभी क्या करो स्क्वाड और जंप करो स्क्वाड और जंप से क्या होगा आपका फैट लॉस पे ऑल ओवर फैट लॉस पे काम होगा तो स्क्वाड के साथ आपको जंप ये एक्सरसाइज ऐड करना है जिससे कि आपको आप स्ट्रेंथ गेन हो पहला जो स्ट्रेंथ गेन हो और दूसरा आपका स्टेमिना बढ़े और तीसरा आपका इस वाले चर्बी पे भी काम हो पाएगा पूरा ऑल ओवर फैट परसेंटेज में भी काम हो पाएगा तो सिंपल क्या करना है स्क्वाड करना है और जब ऊपर जाओगे तो पूरे दोनों हाथ खोल के जंप करना है दस चलो नौ बहुत अच्छे थोड़ा तो सा फास्ट करो आप जब भी फैट लॉस का एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे कि आपका चर्बी पर फोकस हो रहा है चर्बी कम करना है तो आपको भाई करना है थोड़ा सा फास्ट जिससे कि आपका बॉडी कभी भी रेस्ट में नहीं रखे भाई चलो छः चलो पाँच चलो शाबाश चार बहुत अच्छे चलो तीन चलो शाबाश दो चलो एक दो बार और दो एक बार और दो बार और दो बार और दो बार और दो बार और, और। थोड़ा बहुत फ़र्क अभी सामने ही तुम आपको सामने ही देखने को मिलेगा भाई आपको किस तरह का फ़र्क पड़ा है एक्सरसाइज करके या फिर किस तरह का रिजल्ट मिलेगा सारा कुछ ठीक है अभी क्या करो तुम सिंपल लेट जाओ इस तरह से सिंपल लेट जाओ और क्या करना है अब आ गया हो। ठीक है ठीक है अब क्या करोगे इस साइड से बीच में लाओगे दोनों पाओ को फिर साइड पे लाओगे फिर साइड से बीच में फेस रखने के लिए क्या होगा ठीक है फोकस फोकस पूरा का पूरा साइड फैक्ट पे ही पड़ेगा तुम करके देखो एक्सरसाइज चलो चलो हाथ नीचे सर हाँ चलो दस नौ आठ सात छः ईट से आपको बस आइडिया रखना है कि इस तक गैप इतना गैप आपको बना के रखना है चलो छ पाँच चार तीन दो एक पाँच चार तीन दो एक रुको 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 यहाँ पे पहुँच सीधा पाँच सीधा करो पहुँच सीधा पाँच सीधा पहुँच सीधा पहुँच सीधा करो ऊपर ऊपर इधर लेके आओ इस ईट के इस ईट से आइडिया लो और यहाँ पे होल्ड रखो होल्ड रखो होल्ड रखो दस सेकंड तक दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक ट्विस्ट करो इधर होल्ड करो दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक पाँच सेकंड, चलो पाँच चार तीन दो एक चलो पाँच सेकंड, सामने रखो सामने रखो पाँच चार तीन दो एक रिलैक्स 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 कोई बात नहीं करो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ पूरा लगड़ा होगा पूरा मतलब पुरा किस लगड़ा, लगड़ा है रो एक्सरसाइज के बाद बताना किस तरह का फील हुआ जिससे कि भाई लोगों को भी एक्सपीरियंस पता चले किस तरह का रिजल्ट किस तरह का पंप देखने को मिल सकता है स्वेटिंग है सबको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है तुमको सिंपल उसी तरह लेट, लेट जाओ पहले लेट जाओ चलो 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 तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है भाई अपने अल्टरनेट एल्बो नी टच करना है जिससे कि राइट एल्बो से आपका लेफ्ट नी टच होगा और लेफ्ट एल्बो एल्बो से आपका राइट नी टच होगा चलो सब बस दस चलो नौ चलो थोड़ा सपोर्ट ले सकते हो आप लोग चलो आठ बहुत अच्छा चलो 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 सात बहुत अच्छे चलो छ बहुत अच्छे पाँच चलो, तो, चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहे हैं भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे क्योंकि भाई थक गया है ठीक है आप लोगों को सपोर्ट नहीं लेना है अगर सपोर्ट बिना सपोर्ट करेंगे होता है तो ठीक है और आप भाई का सपोर्ट ले सकते हो दोस्त का सपोर्ट ले सकते हो ठीक है या फिर कोई आप बुक वगैरह रख सकते हो मोटा सा जिसे कि आपको ज़्यादा नीचे लेटने नहीं मिले अभी नेक्स्ट करो सिंपल प्लैंक से पोजीशन में आ जाओ सिंपल प्लैंक्स करो वर्कआउट फिनिश करते हैं तुम थक भी गए हो भाई ठीक है और इस एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइज का तीन सेट लगाना है समझो क्या रिजल्ट मिलेगा आप लोग को प्लैंक से प्लैंक से पोजिशन में आओ ठीक है सर सामने रखो सर सामने और वही वाइट जिस साइड से जिस तरह लेके आए थे वही लेके आओ पाँव को और बस ऐसे नहीं करना है इस बार यहाँ पे आगे लाओ आगे लाओ यहाँ पे ला के बस होल्ड रखो होल्ड रखो होल्ड रखो दस दस सेकंड तक सर सामने सात छः पाँच चार तीन दो एक पीछे चलो दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक पीछे चलो 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 दोबारा 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 दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक पीछे चलो दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक चलो सिंपल अब तुम क्या करना है दोनों पाँव को आगे लेके आओगे पूछा उसके पोजिशन में आओ लास्ट एक्स्ट्राइस दोनों पाओं को आगे दोनों पाँव को पीछे दोनों पाओं को आगे दोनों पाँव को पीछे वर्कआउट फिनिश हो जाएगा तुम्हारा सिंपल उसके बाद सिंपल प्लैंक्स पे आ जाओगे चलो दस चलो नौ सर सामने चलो आठ थोड़ा सा फर्स्ट करो सात अच्छे चलो चलो छ पाँच चार चलो चलो कोई बात नहीं तीन चलो दो चलो चलो शाबाश दो एक सिंपल प्लैंक्स आता है सिंपल प्लैंक्स पोजीशन में आ जाओ सिंपल प्लैंक्स में आ जाओ सिंपल प्लैंक्स सर सामने सिंपल प्लैंक्स फोल्ड करो तो, तो, तो बात करते कुछ चलो स्टार्ट सामने देखो स्टार्ट ही है ना ठीक है तो ये सारा एक्सरसाइज था भाई आपका पेट का चर्बी जिन भाई का साइड का चर्बी बढ़ा हुआ है उनको आप भाई किस भाई से ही सुनना कि किस तरह का एक्सरसाइज था आपका साइड का चर्बी आपका कम करना है भाई के मुंह से सुनना आप लोग कि भाई क्या बोलना चाह रहा है भाई को किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ आप लोग अगर इस सारे एक्सरसाइज का तीन से चार सेट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आप लोग को तो आज का वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है जिन भाई का साइड का चर्बी निकला हुआ है साथ में भाई के ट्रांसफॉर्म करो और साथ में बेहतर अपने फिजिक को करो भाई बिना इक्विपमेंट के बिना जिम के बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए हुए घर पे सिंपल तरीके से आप सारे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो अपने फिजिक को अपने लुक को अच्छा कर सकते हो भाई तो अभी सुनते हैं भाई से किस तरह का खड़े हो जाए भाई

अच्छी डाइट के साथ फॉलो करोगे तो तुम रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा भाई तो आज का वीडियो एक खत्म करते हैं भाई इस फॉर्म करो और बेहतर से बेहतर साइड के सड़ियों को कट करो और धीरे धीरे करके इसको शेप में लाऊंगा आपके सामने लाऊंगा तो देखते रहना आप लोग और आप लोग भी मोटिवेट होना आप लोग भी सपोर्ट करना और आप लोग भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना बेहतर देखना मिलते हैं अगले वीडियो में स्टे सेफ स्टे हेल्दी ठीक है भाई लोग